الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واجب الاحترام معزز علماء الكرام اور میرے اپنے دینی بھائیوں آج کا مسلمان یا یوں کہیے کہ آج کا انسان اگر اپنی حقیقت پر غور کرے اور پھر اپنی حقیقت میں غور کر کے اللہ تبارک و تعالی کی جلالت شان اس کی حکمت بالغہ اور اس کی قدرت کاملہ پر تکبر اور غور و فکر کرے تو اس تدبر اور غور و فکر کے نتیجے میں انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا
कि जिस खालिक और मालिक ने, जिस परवरदिगार ने हमें पैदा फरमाया, उस परवरदिगार की इबादत करना और उसके बतलाए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारना इंसान के लिए कितना जरूरी है। और उसके साथ साथ इंसान के दिल में एक जज्बा पैदा होता है, नेकियों का जज्बा। इसलिए कि बाज मरतबा इंसान के दिल में एकदम नेकियों का शौक पैदा हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो बेचारा कभी मस्जिद में नहीं आता, लेकिन अल्लाह ताला उसके दिल में कोई ऐसी चीज डाल देते हैं कि जो आदमी कभी भूलकर मस्जिद में नहीं आता था, अब वही आदमी सफे उला में तकबीर उला के साथ नमाज का पाबंद बना हुआ है। तो इंसान के दिल में कब नेकियों का जज्बा और दाइया पैदा हो जाए ये कोई कह नहीं सकता। और जब जब हमारे दिल में नेकियों का शौक पैदा हो तो फौरी तौर पर उस पर अमल करना और लगे हाथों नेकियों कर लेना नेकियों को हमारे लिए जरूरी है। इसलिए कि इंसान के साथ उसका नफ्स भी लगा है और साथ में जो शैतान हमेशा से ईमान वालों का दुश्मन है वो भी लगा हुआ है। हर एक के साथ शैतान का हरपा और उसकी चालें अलग अलग होती है। जो ईमान वाला नहीं है उसको बहकाने की और उसके पास गुनाह करवाने की उसके कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद ईमान से महरूम है। अब जो ईमान वाला है उसे गुमराह करने के लिए, रास्ते से हटाने के लिए शैतान को बड़े पापड़ बेलने पड़ते। इसलिए वो ईमान वालों के पास जब वो आएगा तो उसके दिल में ये नहीं डालेगा कि ये नेकी मत करो, ये नेकी अच्छी नहीं है, बल्कि वो जानता है कि ईमान वाला कभी भी नेकी को बुरा नहीं समझता। अब वो शैतान ईमान वालों के साथ ये दाव खेलता है कि भाई नमाज पढ़ना नेकी है, इबादत है, रोजा रखना ये भी इबादत और नेकी का काम है। अब इस नेकी से ईमान वाले को कैसे रोका जाए, तो शैतान की ये चाल होती है कि वो ईमान वाले के दिल में ये बात डालता है कि आइंदा कल से मैं जरूर नमाजी बन जाऊंगा। आज दिल में दाहिये पैदा हुआ कि भाई नमाज पढ़नी चाहिए, वरना अल्लाह के यहाँ क्या मुंह दिखाएंगे। अब ये नमाज का दिल में दाहिये पैदा हो रहा है, लेकिन शैतान उसे समझा रहा है कि आइंदा कल से शुरू कर दे। अब जब आइंदा कल आती है तो या तो वो इस जज्बे को भूल गया होता है, या फिर शैतान दोबारा उसके दिल में ये बात डालता है कि आइंदा कल से तो तू पक्का नमाजी बन जाएगा, बस ये कल करते 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 जिंदगी खत्म हो जाती है और इंसान की कभी कल नहीं आती। इसीलिए बड़ी अच्छी बात कही, फिक्र उकबा की कर आज ही पे खबर, कल न कर कल की कल का भरोसा नहीं, कल न आई कभी और न आएगी कल,
कल तो क्या एक पल का भरोसा नहीं। इंसान की कभी कल नहीं आती। और फिर बाज मरतब ऐसा होता है कि आदमी ये सोचता है कि अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो बहुत सारे काम करने हैं, कारोबार करना है और मुझे मकान बनाना है, पैसे जमा करने हैं, शादी भी करनी है, फिर जब मेरे बच्चे हो जाएंगे, वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, मेरे ऊपर बुढ़ापा आ जाएगा। अब बुढ़ापे के अंदर तो मेरा कोई काम अब बचा नहीं, तस्बीह लेकर मस्जिद का गोशा और कोना पकड़ लूंगा, फिर इबादत ही इबादत करनी है। ये शैतान समझा रहा है, इसलिए बतलाया, कर खुदा की इबादत जवानी में तू, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। जवानी खत्म हो गई, फिर बुढ़ापे में आदमी उसके पैर लड़खड़ाने लगते, वो मस्जिद की सफ में खड़े होने के काबिल नहीं होता, फिर वो क्या खाक इबादत करेगा। कर खुदा की इबादत जवानी में तू, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। ताकत दस तो पा, इंसान के हाथ पैर की ताकत, ताकते दस तो पा खत्म हो जाएगी, फिर इबादत का कोई भरोसा नहीं। फिक्र उकबा की कर आज ही पे खबर, कल न कर कल की कल का भरोसा नहीं। तो हमारी कल कभी आने वाली नहीं, और आ भी गई तो शैतान हमें वो इबादत का मौका और चांस नहीं देता। इसलिए बतलाया कि जब दिल में नेकियों का दाही और जज्बा पैदा हो, फौरी तौर पर उस नेक अमल को कर लो। नमाज का दिल में दाहिया पैदा हुआ, फौरन मस्जिद में आ जाओ। कुरान करीम की तिलावत का दिल में जौक हो रहा है, फौरी तौर पर अमल कर लो। और आदमी बाद मरतबा नमाजी है, पापन है, जैसे कि किताब में मसला आता है कि फर्ज नमाज आदमी मस्जिद में पढ़े और जो सुनन और नवाफिल है वो घर पर जाकर पढ़े, उसकी फजीलत बतलाई। लेकिन फिर उलमा ने ये कहा कि मौजूदा दौर में फर्ज नमाज जहां हम मस्जिद में पढ़ते हैं, बेहतर ये है कि सुनन और नवाफिल भी मस्जिद में पढ़ लो। इसलिए कि हालात बदल रहे हैं, आदमी मस्जिद में फर्ज पढ़ लेता है, फिर ये सोचता है कि चलो घर जाकर नफल पढ़ लूंगा, अब ये मस्जिद से निकला मालूम नहीं वो घर पहुंचेगा या कहां पहुंचेगा। मस्जिद से बाहर निकले, कोई दोस्त मिल गया, आओ थोड़ा काम निपटा देते, उसके साथ चले गए, अब वो सुन्नत और नफल का जहन से ख्याल ही निकल गया। इसलिए लगे हाथों नेकी कर लो। सहाबा इकराम नेकियों में पीछे नहीं हटते थे। ये जो कुरान करीम की आयत आपके सामने तिलावत की, उसमें अल्लाह ताला हमें तरगीब दे रहे, नेक आमाल की तरफ आगे बढ़ो, सबकत करो, रेस लगाओ रेस। लेकिन हमारी सोच उल्टी हो गई कि हम आज दुनिया में रेस तो लगा रहे हैं, अल्लाह ताला हमें बतला रहे हैं कि नेकियों में रेस लगाओ, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। लेकिन हमारी जो रेस लगी हुई है वो इस दुनिया की मादी चीजों के पीछे, हाँ, सुबह से शाम तक हमारे जहन में एक ही चीज बैठी हुई है कि फुलां का जैसा मकान है मेरा भी वैसा हो जाए, फुलां की जैसी गाड़ी है मेरे पास भी वैसी हो जाए, फुलां जैसे कपड़े पहनता है मैं भी वैसे कपड़े पहनने वाला हो जाऊं,
उसके दस्तरखान पर खाने की जितनी नेमतें होती है वो सारी नेमतें मेरे दस्तरखान पर भी आनी चाहिए। अब ये दुनिया की चीजों के लिए रेस लग रही है और यहां अल्लाह बतला रहे हैं कि नेकी में रेस लगाओ दुनिया के लिए नहीं, और हम दुनिया के लिए रेस लगा रहे हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। सहाबा इकराम की सोच हमसे बहुत आला और ऊपर दर्जे की। सहाबा इकराम हमेशा नेकियों में रेस लगाने की सोचते थे। गज़वे तबूक का मौका है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खड़े हो गए, क्योंकि गज़वे तबूक जिस वक्त पेश आया वो सख्त गर्मी का मौसम, आसमान से आग के शोले बरस रहे हैं, जमीन आग उगल रही है और 1200 किलोमीटर का सहराई सफर, यहां से दिल्ली पकड़ लो और सामान भी नहीं, कोई सवारी भी नहीं है, ऐसे वक्त में और खजूर के पकने का मौसम था और अरबों में खजूर गोया के पूरे साल का गुजर बसर का दारो मदार उसी पर होता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से ऐलान फरमा रहे, अल्लाह के रास्ते में सामान की जरूरत है, सामान चाहिए, सवारी की जरूरत है, सवारी चाहिए, माल दौलत की जरूरत है, माल दौलत चाहिए। ऐलान फरमा रहे सरकार मस्जिद नबवी से कि भाई अल्लाह के रास्ते में माल लगाओ। अब जब सरकार ऐलान फरमाते तो सहाबा इकराम कहां पीछे रहने वाले, हर सहाबी दौड़ा दौड़ा घर जाता है, जो कुछ घर में होता है वो लेकर सरकार की खिदमत में पेश किया। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर पहुंचते हैं, फरमाते हैं कि उस दौर में जिस वक्त गज़वे तबूक का ऐलान हुआ मेरे पास काफी माल था। हजरत उमर फरमाते हैं कि उस अरसे में मेरे पास बहुत ज्यादा माल आ गया था। अब दिल में शौक पैदा हुआ, फरमाते हैं कि मेरे दिल में यह शौक पैदा हुआ कि उमर आज मौका है कि सिद्दीक अकबर से तू नेकियों में आगे निकल जाएगा, आज अगर नेकियों में अबू बकर सिद्दीक को तू पछाड़ सकता है तो आज का ये मौका है। इसलिए कि उन दिनों में हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास कोई ज्यादा माल नहीं था, आज मैं नेकी में उनसे आगे बढ़ सकता हूं। देखिए क्या दिल में जज्बा पैदा हो रहा है, शौक पैदा हो रहा है नेकियों में आगे बढ़ने का। हजरत उमर के दिल में यह जज्बा नहीं पैदा हुआ कि मैं उस्मान गनी से माल में आगे निकल जाऊं, वो बड़े मालदार है, या अब्दुल रहमान इब्ने औफ के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, मैं पैसे में उनसे आगे बढ़ जाऊं। दिल में जज्बा पैदा हुआ कि सिद्दीक अकबर का नेकियों में बहुत ऊंचा मकाम है, अगर मैं आज नेकियों में उनका मुकाबला कर सकता हूं, रेस में दौड़ में आगे निकल सकता हूं तो आज का दिन है। ये सोचकर घर गए, घर में जितना भी माल रखा हुआ था उसको दो हिस्से में तकसीम किया। फरमाते हैं कि आधा मैंने घर वालों के लिए छोड़ा और आधा सरकार की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ। दूसरी तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु घर पहुंचे, घर में जो कुछ था वो सब लेकर हाजिर हुए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से सवाल किया, ए उमर बताओ क्या लाए हो अल्लाह के रास्ते में। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया था, मेरे पास जितना माल था उसको दो हिस्से में तकसीम किया, आधा घर वालों के लिए छोड़ा और आधा आपकी खिदमत में हाजिर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआएं दी कि उमर अल्लाह ताला तेरे माल में बरकत अता फरमाए।
अब बारी थी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नो की। हजरत उमर फरमाते हैं कि मैं दिल में बड़ा खुश हो रहा था कि अबू बकर से अभी पूछेंगे कि क्या लाए हो, और वो बहुत थोड़ा सा लाए थे, इसलिए आज मैं नेकियों में आगे बढ़ जाऊंगा, सरकार की दुआएं मुझे मिल जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर की तरफ देखा। हजरत उमर को तो सवाल किया था कि उमर क्या लाए हो, अब हजरत उमर के दिल में यही ख्याल था कि सरकार अबू बकर से भी यही सवाल करेंगे, लेकिन यह सवाल का अंदाज बदल गया। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू बकर बताओ घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो, ये नहीं पूछा कि क्या लाए हो। हजरत अबू बकर ने जवाब दिया, ए रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ घर में था वो सब मैं उठाकर लाया हूं, घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर आया हूं। जो कुछ था घर में झाड़ू लगा कर आए। हजरत उमर फरमाते कि मैं उस दिन समझ गया कि मैं जिंदगी में कभी भी अबू बकर से नेकी में आगे नहीं बढ़ सकता, अगर बढ़ सकता था तो आज का दिन था, लेकिन आज नहीं बढ़ सका, कभी नहीं बढ़ सकूंगा। तो देखिए उनके दिल में नेकियों का दाई और जज्बा पैदा हुआ, नेकियां कर भी ली, और जो बताया कि नेकियों में मुसाबकत करो, सबकत करो, रेस लगाओ, तो ये नेकियों में सहाबा इकराम सबकत कर रहे, इस दुनिया के लिए नहीं, इसलिए कि ये दुनिया तो पायेदार नहीं है, किसी के पास हमेशा नहीं रहती, अगर हमारे पास आ भी गई तो बहुत जल्दी वो किसी दूसरे के पास चली जाती है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बहुत ऊंचे दर्जे के मुहद्दिस है, फकीह भी है, और अपने जमाने के जबरदस्त सूफी भी रही है, वो खुद भी मालदार थे। फरमाते हैं कि मैं खुद भी मालदार था, और हमेशा मेरी उठ बैठ और मेरा मिलना जुलना मालदारों के साथ रहा, मेरी जिंदगी का इब्तदाई हिस्सा मालदारों के साथ गुजरा, लेकिन फरमाते हैं कि जब तक मैं मालदारों की सोहबत में रहा, उनके साथ मेरा उठना बैठना रहा, तो मुझसे ज्यादा गमगीन इंसान दूसरा कोई नहीं था। क्यों? इसलिए कि जिसको भी मैं देखता हूं तो मेरा मकान यानी मेरे मकान से उसका मकान अच्छा है, मेरे कपड़े से उसके कपड़े अच्छे हैं, मेरी सवारी से उसकी सवारी अच्छी है, दिल हमेशा मगमूम रहता था। लेकिन फरमाते हैं बाद में मैंने मालदारों की सोहबत छोड़ दी, और मुझसे जो लोग माली एतबार से नीचे थे मैं उनके साथ उठने बैठने लगा, तो फरमाते हैं फस्तरह तो मैंने राहत पा ली, इसलिए कि अब जब जिसको भी देखता हूं तो उसके मकान से मेरा मकान अच्छा है, उसके कपड़े से मेरे कपड़े अच्छे हैं, उसकी सवारी से मेरी सवारी अच्छी है। ये दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक नुस्खा बतलाया कि दुनिया के मामले में हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो, और दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखो। दुनिया के मामले में जब अपने से नीचे वाले को देखेंगे तो अल्लाह की दी हुई नेमतों की शुक्रगुजारी की तौफीक होगी, नेमतों की कदरदानी होगी कि अल्लाह ताला ने मुझे ये बेहतरीन मकान अता फरमाया, और दूसरा आदमी झोपड़े में जिंदगी गुजार रहा है। अल्लाह ताला ने पहनने के लिए बेहतरीन लिबास दिया और इस बेचारे के पास ढंग के कपड़े भी नहीं। मैं एक वक्त में दस्तरखान पर कई कई नेमतें खा रहा हूं और ये बेचारा नाने शबीना के लिए तरस रहा है, मोहताज है। तो शुक्रगुजारी की तौफीक होगी, आदमी को इत्मीनान हासिल होगा।
इसलिए बताया कि अगर हमारे पास स्कूटर है तो कार वाले को न देखे कि उसके पास तो बेहतरीन गाड़ी और कार है, मेरे पास स्कूटर है, बल्कि अपने से नीचे वाले को देखो कि मेरे पास ये स्कूटर है और ये बेचारा आदमी जिसके पास साइकिल है वो साइकिल लेकर जा रहा है। अब साइकिल वाला स्कूटर वाले को न देखे कि इसके पास स्कूटर है मेरे पास साइकिल है, वो पैदल चलते हुए आदमी को देखे कि अल्लाह ने मुझे ये साइकिल अता फरमाई, ये बेचारा तो पैदल जा रहा है, और पैदल चलने वाला आदमी ये ना सोचे कि इसके पास साइकिल है मेरे पास तो साइकिल नहीं पैदल चल रहा हूं, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला ने मुझे चलने के लिए पैर अता फरमाए। फुला आदमी बेचारा पैरों से माजूर है, लंगड़ा है, चल भी नहीं सकता। तो दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखेंगे तो इंसान कभी धोखा नहीं खाएगा, इस दुनिया की चीजों से कभी धोखे में नहीं आएगा। और दीन के मामले में हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखो, दीन के मामले में नीचे वाले को नहीं देखना है कि मैं तो 5 वक्त की नमाजें पढ़ता हूं और फुलां तो 3 वक्त की पढ़ता है, मैं तो बहुत अच्छा हूं उससे। ये इंसान को शैतान धोखा दे सकता है, इसलिए दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखो कि मैं 5 वक्त की नमाजें पढ़ रहा हूं और फुला आदमी ये तो इशराक का भी पाबंद है, ये तो चाश्त का भी पाबंद है, ये तहज्जुद की नमाजें भी पढ़ रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं। इंसान के दिल में दाहिया पैदा होगा कि मैं भी इसकी तरह से इशराक पढ़ने वाला बन जाऊं और वाबीन पढ़ने वाला बन जाऊं, मैं भी कुरान करीम की तिलावत करने वाला बन जाऊं, मैं भी अपनी जिंदगी के कीमती औकात अल्लाह के रास्ते में लगाऊं, दिल में शौक पैदा होगा। इसलिए दीन के मामले में ऊपर वाले को देखो और दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखेंगे तो अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदर होगी और इंसान की जिंदगी ये बर्फ के पानी की तरह पिघल रही है। अगर बर्फ है उससे सही वक्त पर काम न लिया गया, फायदा न उठाया गया तो वो पिघल कर खत्म हो जाता है। इंसान की जिंदगी बस बर्फ की तरह है, अगर उसको हमने नेकियों के काम में नहीं लगाया तो वो गुनाह के काम में चली जाएगी या फिर ऐसे फजूलियात में गफलत में जिंदगी गुजर जाएगी। इंसान यूं ही दुनिया से गफलतों में चला जाता है, फिर मरने के बाद उसे पछतावा हासिल होता है कि हाय अल्लाह ने इतनी कीमती जिंदगी अता फरमाई लेकिन हम कुछ नहीं कर सके। इसलिए आइंदा से हमें कल पर भरोसा नहीं करना है, लगे हाथों नेकी के लिए कदम आगे बढ़ाए। वो संत कबीरा ने बड़ी अच्छी बात कही, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहां जो सोवत है। इंसान रात को सोता है तो ऐसा सोता है कि सुबह उठने का उसे पता नहीं होता है। हमारे अकाबिर फरमाते हैं कि जो कौम जिस कौम को सूरज जगाती है वो कौम कभी दुनिया में कामयाब नहीं हो सकती, जो कौम सूरज को उठाती है अल्लाह ताला उस कौम को जमीन के ऊपर कामयाब बना देते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। टुक नींद से अखियां खोल जरा, ए गाफिल रब से ध्यान लगा, ये रीत करम की प्रीत नहीं, रब जागत है तू सोवत है। और जो हम आजकल करते रहते हैं, जो काल करे वो आज कर ले, जो आज करे वो अभी कर ले, जब चिड़ियन खेती चुग डाली फिर पछताए क्या होवत है। इंसान आजकल करते करते अपनी जिंदगी को खत्म कर देता है, उसकी कल कभी नहीं आती और उसकी मौत उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अल्लाह ताला मौत के आने से पहले हमें अपनी जिंदगी की कदर समझा दे।
وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. اللہ فرماتے ہیں کہ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے, اور اللہ نے وہ جنت متقیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. یہ دنیا میں سستا سودا ہے نیکیاں کرنے کا, جنت کمانے کا, رب کی مغفرت حاصل کرنے کا. آئندہ مہینے اپریل میں 4-5-6 ہمارے سونگڑھ میں اجتماع بھی ہے, اس کے لیے بھی فکر فرمائے, کوشش کرے, محنت کرے, دعوت چلائے, خود بھی وہاں پہنچے, ساتھیوں کو بھی جوڑے, اور ہماری مسجد سے جتنا ہو سکے اس کام کے لیے ہم لوگوں کو تیار کرے. ہمارے جوان جو کسی کام کے نہ رہے ہو, یعنی ان کا کوئی کاروبار نہ ہو, تو وہ دعوت و تبلیغ میں جوڑنے کی کوشش کرے, اور جو کام کاج والے ساتھی ہیں وہ بھی اپنے وقت کو فارغ کر کے آگے پیچھے کر کے کم از کم وہاں اجتماع کی جگہ میں پہنچے, اور ہو سکے تو 3 دن وہیں پر گزارے, ہو سکے تو ہماری مسجد سے چلے کی 4 مہینے کی سال کی جماعت بھی دے. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو قبول فرمائے, اس امن سوسائٹی کو ہمیشہ امن اور شانتی میں رکھے. اللہ تعالیٰ یہاں خوب دین کے چرچے پھیلائے, یہاں جتنے بھی علماء کرام محنت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو بارآور فرمائے. جو بات کہی سنی گئی سب سے پہلے میں خود اس کا محتاج ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں, اور پورے عالم کے مسلمانوں کو نیک کام کے اور دین کے کاموں میں عمل کرنے کا داعی اور جذبہ نصیب فرمائیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thank you.